क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। हैदराबाद के चिड़ियाघर में शराब के नशे में धुत एक शख्स अचानक ही शेर के बाड़े में कूद पड़ा। हालांकि शेर शख्स के ऊपर हमला बोलते उससे पहले ही पुलिस कर्मियों ने उसे बाड़े से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। शख्स राजस्थान का रहने वाला है और हैदराबाद में मेट्रो रेल में हेल्पर का काम करता है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साक्षी खन्ना हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साक्षी, आखिर कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, ये कल की बात है। ये जो मुकेश नाम के शख्स हैं राजस्थान से आए हैं और पुलिस का कहना है कि पिछले महीने ही आए हैं। अपने कुछ दोस्तों के साथ ये जू में गए थे और पुलिस का कहना है कि ये सभी दोस्त जो हैं ये नशे की हालत में थे, तभी ये मुकेश नाम का जो शख्स है वो उसकी चाहत थी कि वो शेरों को पास से देखे और उनसे वो हाथ मिलाना चाहता था। इसी वजह से जो इनक्लोजर है वहां पर वो कूद गया और उसके बाद वो शेरों के पास तक गया और उसने खूब कोशिश करी कि वो और आगे जा सके, लेकिन वहां पर जो सुरक्षा कर्मी वो तैनात थे उन्होंने उसको रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन मुकेश उनके रोकने से पहले ही अंदर कूद गया। उसके बाद जिस तरह से वो पानी में दिखाई दे सकता है शख्स, इसी वजह से जो शेर हैं वो थोड़े पीछे थे और वहां पर जितने भी शेर के कमांडर थे उन्होंने शेरों को अपनी तरफ पुकारा और इसी वजह से मुकेश बच सके। तो काफी ये गंभीर हादसा हो सकता था, यहाँ पर मुकेश की जान भी जा सकती थी, लेकिन वहां पर जो जू के अधिकारी हैं वो मौजूद थे और उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ही मुकेश बच सका। इसके खिलाफ केस फिलहाल दर्ज हो चुका है ट्रेसपासिंग के अंडर और जू अथॉरिटीज का भी कहना है कि जितने भी लोग जू में आते हैं उनको भी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, जहां पर जो रूल्स बनाए गए हैं उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जू प्रशासन का ये भी कहना है कि वो और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाएंगे, सीसीटीवी कैमराज लगाएंगे ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो सके। शुक्रिया साक्षी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।